जी गड्डी रैक्सटन है जी, तो आप गड्डी का रेडिएटर जरा फ्लश करना आप। सो आ देख सकते हो कि विदाउट और विद जब इस पाने तो पहला कंडीशन बंद सके सारे जैट जे जो पाने तो बाद कंडीशन क्लीन हो जाता सारा। तो ये रिमूव रस्ट एंड स्केल, सो वैनिस कंपनी का हुंडई यूज होंगी चीज़ आ रही। तो आप जी गड्डी की सो जी गड्डी की कंडीशन है वो तुझे दिखा देना थानू ये कितनी रस्ट है। तो पानी भी थोड़ा जहा चलो घटिया होया। तो ये जी ये पाने तो बाद जरा मेन पाइप होंगे सारा सर्कुलेट रेडिएटर चाहूगा, रेडिएटर के सारा क्लीन हो के थलो आप करा ड्रेन। सो इस काम का सारा प्रोसैस, सो सब तो पहला ठंडी गली के आप रेडिएटर फ्लश पा रहे हैं जो इस तरह का होंगे है। बस बंद कर दो तो पानी ये फिल करके वैसे पूरा पानी पूरा कर दे ये समझ ला लो उतो पानी पूरा करके गड्डी कर देनी आप स्टार्ट। सो रेडिएटर जोड़ा पानी है वह फिल पूरा करता बस बस जिन्ना देख लो पूरा बस ओके है। सो इनू हूँ आप गड्डी ने ढक्कन लगा के गड्डी करा स्टार्ट। तो आप करते हैं गड्डी के अंदर गड्डी नू करते हैं स्टार्ट। गड्डी हैगी है जी पार्किंग पोजिशन डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इनू 4 to 5 मिनट गड्डी नू रखना स्टार्ट। 4-5 मिनट स्टार्ट रखने तो बाद फिर आप जो रेडिएटर का वाटर है उन्होंने सारा आप ड्रेन कर लिया। सो जी गड्डी है इनू आप कर दिता स्टार्ट। तो जोड़ा टाइम हैगा वो टाइम आप 5:23 हो चुके हैं। तो 10 to 20 मिनट घट्टो घट इन स्टार्ट रखना वा यदी कंडीशन आ दिखिया सारिया आप किमें किमें रखने गड्डी हॉट पोजिशन तक आप लैके जाना वा ठीक है जी। ड्रेन सिस्टम इज एम्प्टी शेक बोटल वैल ओपन एंड रेडिएटर एंड कूलिंग सिस्टम रीफिल विद वाटर स्टार्ट इंजन रन एंड आइडल 10 to 20 मिनट स्टॉप करन तो बाद ओपन ड्रेन सिस्टम सारा सिस्टम जो भी हैगा इनू आप कर देना। हूँ आप गड्डी का हीटर भी ऑन रखना वा ठीक है जी। तो 10 to 20 मिनट गड्डी स्टार्ट रखनी है कूलेंट एंड रेडिएटर कूलिंग सिस्टम सारा रीफिल कर देना इन विद वाटर के नाल। सो आप ये चीज़ा जी आप ये करन तो बाद आप हम गड्डी नू हीटर उपा ऑन कर देना गड्डी का हम थोड़ी देर लई। आ टेंपरेचर करता सी हाई ऑटो एसी है बंद एसी बंद रख के हीटर असी ऑन कर दिता ता कि जी हीटर कोयल च भी जो सर्कल होएगा सारा ओके हो जाए ठीक है जी। एसी बंद रखे जी असी नीचे जरा आप कवर जरा रेडिएटर क्लीन करने से सारा प्रोसैस जरा हो रहा गड्डी जी स्टार्ट कंडीशन से खड़ी है सारी आप तकरीबन टाइम हो गया 10 मिनट हो चले है 10 to 12 मिनट हो चले जी। तो 5 मिनट आप होर स्टार्ट करके आप फिर ठंडी होने की वेट करा गड्डी हीटर साडा ऑन कंडीशन है उस तो बाद फिर आप गड्डी बंद करके यदा सारा जोड़ा कूलिंग सिस्टम है सारा रेडिएटर का पानी कट दें। 25 मिनट हीटर गाड़ी का ऑन गर्मियों के दिन और बैठ भी नहीं गाड़ी में हो रहा। तो 5:23 पे शुरू किया था 5:48 हो गए 20 से 25 मिनट के समथिंग टाइम हो गया। तो गाड़ी का टेम्परेचर भी अभी हाफ कंडीशन में है। तो अभी करते हैं गाड़ी को बंद
फिर इसका करेंगे थोड़ी ठंडी होने के बाद इसका तेल जो रेडिएटर का पानी है उसको ड्रेन करेंगे, देखते हैं कि उसमें क्या कंडीशन निकलती है। तो गड्डी कर लग गया जी, अब बंद। हम थोड़ी वेट कर दे ठंडी होने की गड्डी, उसके बाद फिर आप इन क्डा सारा कंडीशन च निकलिया वा है जर किन्नी है देख तो सही आया ना रंग बदलिया पा वा जरा आप रेडिएटर फ्लश किया तो रिजल्ट जोड़ा ना वो आप बोतल च एक बार फिल किया देख सकते हो। ये पहला ऑलरेडी चलो कूलर सेगा बट तुम ये देखो कंडीशन। सो ये सारी जी जर आने इदा भर दी है ये आप पहले अद्धी भरी सी बाद चुनू पूरी भर के एक टेस्ट करा रहे ताकि उत्ते तक आ जाए ठीक है जी। ये सारा हम डस्ट नाल भरिया होया हजे भी निकलता पाया वा तेल दे विच। तो दूजी बारी पानी पूनी पा के एक बार इन फिर कटता हूँ देखो जी पहली कंडीशन से हम सैकेंड कंडीशन के शाम का साफ आ रहा बोतल च भी तुम फर्क देख सकते हो पहले नालों बोतल भी चमक।